नंबर क्वेश्चन, किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ? जी, तो आंसर होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन नहीं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो इन लोगों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, ठीक है। ये तीनों क्रांतिकारी सोंट्स की हत्या तथा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन बेचारे फंसा दिए गए किसी और सिलसिले में। और इनमें से किसने भारत में वर्ष 1879 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? किसने की थी? तो मैडम एचपी ब्लावाट्स्की एवं एचएस अल्काट। इनमें से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास किया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा जी? दादा भाई नौरोजी, याद रखेंगे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। नहीं, और दादा भाई नौरोजी की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि नौरोजी ने भारत के प्रति व्यक्ति आय को गणना का प्रथम प्रयास 1867-68 में की, और नौरोजी के आकलन के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति, सोचिए 1868 में प्रति व्यक्ति 20 रुपया आय थी, ठीक है, याद रखेंगे, जो कि 1868 में 20 रुपया आय थी, जो कि 1911 में बढ़कर 49 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए, सूची 1, सूची 2, तो कुकी विद्रोह, तो 1 का 4 मतलब जहाँ नहीं इसको काट दीजिए, ठीक है। अच्छा, कुक्का विद्रोह, यस यस यस, है ना, तो कुक्का विद्रोह। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे पंजाब, ठीक है, पंजाब, उसके बाद पापना विद्रोह, बंगाल, ठीक है, और बिरसा मुंडा विद्रोह झारखंड, ठीक है, तो याद रखो क्या हो गया, झारखंड। तो कुकी मणिपुर, कुक्का पंजाब, पावना बंगाल, बिरसा मुंडा झारखंड। इनमें से कौन विकास की सतत पद्धति को वर्णित करता है? विकास की सतत पद्धति को वर्णित कौन करता है, ठीक है, सतत पद्धति को वर्णित कौन करता है? तो खपत में कमी, कार्य क्षमता बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग। निम्न में से कौन सा अलोह धातु खनिज है? तो अलोह धातु खनिज है कौन है, तो बॉक्साइट, याद रखेंगे, कौन है जी, बॉक्साइट, ठीक है। और नेक्स्ट, निम्न स्थानों में से कहां कपास और ऊनी दोनों वस्त्रों के कारखाने नहीं हैं? तो मुरादा, अच्छा मुरादाबाद में नहीं, क्योंकि यहां तो चूरी के लिए, ठीक है, मोहाली, गांधीनगर, मैसूर, इंदौर के बीच। एक आम बात यह है कि सभी जगह क्या है, सभी जगह तो आईटी पार्क है। निम्न से किस नदी पर पैठन जायकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किया गया, ठीक है,
तो आप देखोगे गोदावरी या देखोगे गोदावरी। ठीक, नेक्स्ट।